एवरीवन, आज हम देखेंगे बनाना एक ऐसा नाश्ता जो आमतौर पर सर्व करते हैं किसी भी त्योहार में, पोटैटो मिंस चॉप्स। ये नाश्ता आपको आसानी से मिल जाता है क्रिसमस और ईस्टर के समय पे, या शादियों और खास मौकों पे घर पे। गोवन मिंस पोटैटो चॉप्स में हम चॉप्स को मैश पोटैटो से कवर करते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी है बाहर और नरम है अंदर और पिघल जाते हैं मुंह में। पोटैटो मिंस चॉप की फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होगी मिंस चिकन, थोड़े टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, धनिया का पाउडर, शक्कर, काली मिर्च, जीरे का पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, मटर, विनेगर, धनिया और थोड़ा नमक। पोटैटो मिंस चॉप की कवरिंग बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए और छिलके निकाले आलू, फेंटा हुआ अंडा, थोड़ा कॉर्नफ्लावर और थोड़ा रवा। सबसे पहले मैं टमाटर और अदरक लहसुन की पेस्ट को लेकर एक प्योरी बनाऊंगी। तेल को पैन में गरम करने के बाद हम डालेंगे प्याज, थोड़ा सा नमक और उन्हें भून लेंगे जब तक ये हो जाए लाइट ब्राउन। आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ी सी शक्कर इसे कैरेमलाइज करने के लिए। तो अब मैं डाल रही हूं शक्कर थोड़ी सी यहां पे। एक मिनट के बाद इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब डाल रही हूं टमाटर की प्यूरी। अच्छे से सब कुछ मिलाएंगे। अब मैं डालना शुरू करूंगी सारे सूखे मसाले। तो मैं डालूंगी एक चम्मच जीरे का पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच भर के धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी और एक चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से सब कुछ मिलाएंगे। अब इसमें मैं डालूंगी मिंस किया हुआ चिकन। अच्छे से इसे मिला लूंगी ताकि सारे मसाले मिंस में घुल जाए। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा विनेगर, एक चम्मच भर के। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़े से मटर और धनिया पत्ते। और अच्छे से इसे मिला लूंगी। मिंस को हम पकने देंगे जब तक कि पूरा पानी इसमें से उबल ना जाए और मिंस हो जाए एकदम सूखा। अब हमारा मिंस सूख चुका है, मतलब कि ये पक गया है। और तब तक हम ये उबले हुए आलू में कॉर्नफ्लावर और रवा डाल देंगे। तो मैं डालूंगी एक चम्मच कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा नमक
और मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी। अब मैं थोड़ा सा आटा मेरी हथेली पे लगा लूंगी ताकि आलू मेरे हाथ पे चिपके नहीं जब मैं इनके बॉल्स बनाऊं। तब मैं क्या करूंगी कि इस बॉल को ऐसे फ्लैट कर दूंगी। इसमें बनाऊंगी छोटा सा एक कप शेप और इसमें मैं भर लूंगी मिंस को। हम कवर कर लेंगे बाहरी सतह को ऐसे और फिर इसे थोड़ा सा चपटा करेंगे। अब मेरा पैन यहाँ पे तैयार है गरम तेल के साथ। ये चॉप्स मैं डिप करूंगी फेंटे हुए अंडे में। रोल करिए इसे रवा या ब्रेड क्रम्स में अगर आप ब्रेड क्रम्स प्रेफर कर रहे हो तो। अब इसे तल लेते हैं एक के बाद एक ऐसे। आप ये स्वादिष्ट और क्रिस्पी चॉप सर्व कर सकते हैं टमाटो केचप या सैलेड के साथ। पारंपरिक तौर पे ये चॉप्स बनते हैं बीफ मिंस से। आप मटन मिंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शाकाहारियों के लिए पनीर या टोफू की फिलिंग बनाइए या तो फिर सब्जियों के मिश्रण की फिलिंग।